प्रदेश में बढ़ता जा रहा है कोरोना का आतंक। जी हां, राजस्थान में आज 10 कोरोना पॉजिटिव आए सामने। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 69, जयपुर में 2 और कोरोना पॉजिटिव मामले आए सामने। जयपुर के रामगंज में पूर्व मरीज के परिजन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मां और पुत्र मिले हैं कोरोना पॉजिटिव। इसके अलावा भीलवाड़ा में 1 और मिला कोरोना पॉजिटिव। भीलवाड़ा के बांगड़ अस्पताल का ओपीडी मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया गया। जोधपुर में ईरान से लाए गए यात्रियों में मिले कोरोना पॉजिटिव। ईरान से लाए गए 7 यात्री मिले कोरोना पॉजिटिव। अभी तक 453 सैंपलों की रिपोर्ट आना बाकी है और अब तक प्रदेश में 14 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 4 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। तो चलिए, यहाँ पर कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता लोकेश शोला इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। लोकेश, लगातार हम देख रहे हैं कि राजस्थान में ग्राफ बढ़ता जा रहा है और आज 2 और मामले सामने आए हैं, काफी चिंता का विषय है भीलवाड़ा के लिए भी और जयपुर के लिए भी। जी बिल्कुल अमित, बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लगातार जो कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है वो राजस्थान के लिए चिंता की बात होती जा रही है। जयपुर में 2 और कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, वो भी रामगंज क्षेत्र में, जहां से पहले भी 2 कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आए थे और जो अब 2 कोरोना के पॉजिटिव मरीज आए हैं वो पूर्व मरीज के ही जो परिजन वो बताए गए हैं। साथ ही साथ बात करें तो भीलवाड़ा में भी एक कोरोना के जो पेशेंट है वो सामने आया है, जो उसी बांगड़ हॉस्पिटल का ओपीडी का पेशेंट था, जो जिसमें लगातार पहले भी जो कोरोना के पॉजिटिव मरीज है वो सामने आए हैं। साथ ही साथ बात करें जोधपुर की, जोधपुर में आज 7 कोरोना के जो पॉजिटिव मरीज है वो सामने आए हैं, जो दरअसल रविवार को जो ईरान से लाए गए थे भारतीय नागरिकों को, उन्हीं में से 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिनके 45 की जांच की थी, जांच में से 7 के जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसी तरह बात करें तो जैसलमेर भी पहले 490 जो ईरान से लोग हैं वो लाए गए थे, उनकी भी स्क्रीनिंग की गई थी और उनको क्वारंटाइन किया गया है आर्मी एरिया में। और उसी तरह बात करना चाहिए तो अगर राजस्थान के जयपुर में अब तक कुल 12 कोरोना के आंकड़े सामने आ चुके हैं। वहीं अजमेर में 4 कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। जोधपुर के लोकल की बात करें तो वहाँ पर 6 कोरोना के पॉजिटिव मिले हैं। सही, इसी के साथ में झुंझुनू में भी लगातार अब तक 7 कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। इसमें सुखद बात यह है कि अब तक प्रदेश में जो आधिकारिक तौर पर जो आंकड़े सामने हैं उनमें 14 कोरोना के जो पॉजिटिव मरीज थे उनमें से जो अब तक 14 की रिपोर्ट है वो निगेटिव हो चुकी है। बिल्कुल लोकेश, दो मामले आप बता रहे हैं रामगंज इलाके से, जहाँ पर जो माँ बेटे हैं वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं। अब ये जो माँ बेटे हैं, ये जिन जिन लोगों के संपर्क में हैं उनकी भी स्क्रीनिंग की जा रही है? जी बिल्कुल अमित, मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से जयपुर ही नहीं पूरे प्रदेश में जिस तरह से उनके संपर्क में जो पॉजिटिव मरीज सामने आए उनके संपर्क में आने वालों की स्क्रीनिंग की जा रही है। साथ ही जो उनके जो परिजन थे उनको होम आइसोलेट किया गया था। साथ ही साथ में जो जिनमें सिम्टम्स पाए गए उनको क्वारंटाइन किया गया है, उनको सबसे अलग रखा गया है और उनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। बात करें अभी प्रदेश भर की तो प्रदेश भर में करीब 450 से अधिक जो सैंपल हैं उनकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। जिस तरह से लगातार इनके चिकित्सा विभाग मुस्तैदी से काम कर रहा है, डोर टू डोर जाकर स्क्रीनिंग कर रहा है। बात करें जयपुर जिले की, जयपुर जिले में अब तक करीब 15 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है और जो एक बड़ा आंकड़ा है डोर टू डोर, जिस तरह से जयपुर शहर के रामगंज में पॉजिटिव मरीज सामने आने के बाद वहाँ पर कर्फ्यू लगाया गया और वहाँ पर करीब 9 लाख से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, वो भी बड़ा आंकड़ा है। उसमें खांसी जुकाम सहित कोरोना के जो सिम्टम्स होते हैं उनके बारे में जानकारी ली जा रही है कि किन किन मरीजों के इस तरह के सिम्टम्स है उनकी जानकारी ली जा रही है। उनको होम आइसोलेट किया जा रहा है, उनको चिन्हित किया जा रहा है ताकि दूसरी बार स्क्रीनिंग की जाए उसमें उन लोगों किन किन लोगों के इस तरह से सिम्टम्स पाए जाएंगे उनकी वापस जाँच के लिए रिपोर्ट भेजी जाएगी। जी बिल्कुल लोकेश, हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, चिकित्सा विभाग बड़ी मुस्तैदी से यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन अब लोगों को थोड़ा गंभीरता से इस बारे में सोचना होगा क्योंकि लॉकडाउन की जिस तरीके से सख्ती से पालना की जानी चाहिए वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस विभाग भी जुटा हुआ है, समझाइश कर रहा है, लेकिन लोगों को अब थोड़ा सा इस बारे में समझना होगा, एहतियातन बरतना होगा क्योंकि मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वो भी तब जब लॉकडाउन है। अमित बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है कि आम जनता को इस कोरोना के दौरान कि अपने आप को बचाने, अपने परिवार को बचाने के लिए घरों के अंदर रहना होगा। लेकिन जिस तरह से पिछले 2 दिनों में जो प्रवासी मजदूर है, आप जो गरीब तबके के लोग अपने घरों की ओर जाने के लिए घरों इनके बाहर निकल चुके, सड़कों पर निकल चुके, हालांकि देर शाम को केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी हुई कि
कोई भी इनकी दूसरे प्रदेश में नहीं जाना चाहिए, अपने घरों से नहीं निकलनी चाहिए, और जो निकल चुके हैं उनको कैंपों में रोका जाना चाहिए। उसके बाद में प्रदेश की सरकारों ने भी एक्शन लेते हुए यह कैंपों की व्यवस्था की गई और उनको रोका जाने की व्यवस्था की गई है। बात करें जयपुर ज़िले की, तो जयपुर ज़िले में अब 8 कैंप बनाए गए हैं, जहाँ पर जो बाहरी लोग हैं, मजदूर है, गरीब के हैं, जो बेघर हैं, उनको वहाँ पर रखा जा रहा है, उनको वहाँ स्क्रीनिंग की जा रही है, वहीं पर उनके खाने पीने और दवाइयों की सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। इसी तरह उपखंड मुख्यालयों पर भी जो कैंप है वो लगाए गए हैं, ताकि वहाँ पर भी लोगों को रखा जा सके। साथ ही साथ एक और बताना चाहूँगी, जो जिस तरह से लगातार इनके जो पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं, संदिग्धों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और उसी को देखते हुए अब प्रदेश भर के जो निजी चिकित्सालय उनको भी चिन्हित करके अधिकृत किया जा रहा है, उनको भी कोरोना वायरस के इलाज के लिए। साथ साथ जिस तरह से पहले भी राज्य सरकार और चिकित्सा विभाग की ओर से आदेश जारी हुए थे कि 25% बेड कोरोना के लिए रिजर्व रखे जाए, और उसी के तहत अब कुछ जो चिन्हित करके अस्पतालों को कोरोना के लिए ही अधिकृत किया गया है। बिल्कुल लोकेश, तमाम जो प्रयास हैं राज्य सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से, चिकित्सा विभाग की ओर से, वो किए जा रहे हैं, लेकिन अब जनता को इस बारे में सोचना होगा और लॉकडाउन का जो कहीं ना कहीं सख्ती से पालन जरूर करना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।